नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा गंभीर विषय लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। फाइलिंग ऑफ आईटीआर इन द केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यानी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या वैधानिक प्रतिनिधि हैं, उनको आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट है अथवा नहीं, और इसी पक्ष से जुड़े और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो आपके सामने इस वीडियो के रूप में रखने की कोशिश करता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने कवरेज रख रहा हूं कि मुख्य प्रश्न जिनका उत्तर हम इस वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आईटीआर भरना जरूरी भी है अथवा नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर समझे। विच आईटीआर फॉर्म टू बी फाइल, कौन सी आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। हु मे फाइल रिटर्न ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के उपरांत उनकी ओर से रिटर्न भर कौन सकता है। डेफिनेशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो वैधानिक प्रतिनिधि है उसकी परिभाषा क्या है आयकर अधिनियम की दृष्टि से। हाउ टू फाइल आईटीआर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, के अगर आपको वास्तव में रिटर्न भरना ही है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने वो भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आर यू लाइबल टू पे टैक्स ड्यूज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति LR है तो क्या फाइनली उसको टैक्स लायबिलिटी देना भी है, या वो ये कह के बच सकता है कि सर उस व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत उनका कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू ही कैसे बन सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अब आप उससे कैसे टैक्स लायबिलिटी रिकवर कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे दोस्तों। एंड कैन अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम रिफंड ऑफ अ डिसीज पर्सन और नॉट, कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक दूसरे पर्सन जो कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी वैधानिक प्रतिनिधि हैं, क्या वो उनको दे रिफंड, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसको दे रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या। तो आइए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न रख रहा हूं दोस्तों आपके सामने, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी रिटर्न भरना भी जरूरी है अथवा नहीं है। इसके लिए मैं आपके समक्ष तीन पॉइंट रखता हूं। पहला पॉइंट, whether there was any taxable income in the hands of deceased person up to the date of death for the relevant financial year, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय तक relevant financial year में, क्योंकि income tax law दोस्तों परिभाषा जो समझता है या एक आय को देखता है, वो आय को देखता है एक वित्त वर्ष की आय, और मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 एक फाइनेंशियल ईयर है, तो इसकी रिटर्न मांगी जाती है असेसमेंट ईयर में जो 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड शुरू होता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और हमें डिसाइड करना है कि इस वित्त वर्ष 2021 के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या उन सज्जन की ओर से उनके जो वैधानिक प्रतिनिधि है उनको रिटर्न भरना है या नहीं भरना, तो मैं सबसे पहले उनसे बोलूंगा कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है क्या उन्होंने रिलेवेंट वित्त वर्ष 2021 में कोई इनकम भी कमाई थी क्या, और वो इनकम टैक्सेबल लिमिट्स में थी या नहीं थी, एंड वेदर सच इनकम वॉज अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख की है, सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई क्या उनकी रिलेवेंट वित्त वर्ष की टोटल इनकम, या और अच्छे तरीके से बोलूं तो ग्रॉस टोटल इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, तो मेरा आंसर होगा हाँ साहब, रिटर्न भरना जरूरी है। वेदर एनी टैक्स डिडक्टेड इज अपीयरिंग इन फॉर्म 26S, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, 26S को मैं बोलता हूं एक कुंडली है जिससे पता चल जाता है कि आपके कोई TDS कटा है या कोई टैक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड है क्या। तो मान लीजिए सर, जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई उनकी इनकम तो बिलो एग्जम्पशन लिमिट थी पर उनके 26S में 10,000 का TDS कटा आ रहा है, तो फिर आप एक बार समझ लीजिए प्रैक्टिकली रिटर्न भरना जरूरी है, बिकॉज बिना रिटर्न भरे हम रिफंड भी नहीं क्लेम कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, वेदर एनी रियल एस्टेट शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा वर कंडक्टेड बाय द डिसीज पर्सन इन द ईयर ऑफ डेथ, के जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई क्या उन्होंने उस वित्त वर्ष में मृत्यु से पूर्व कोई रियल एस्टेट बेची थी, खरीदी थी, कोई शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन किए, शेयर खरीदे बेचे, या किसी और प्रकार के FD से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए, कुछ फिक्स डिपॉजिट बुक करी या रिलिंक्विश करी, क्योंकि ये सारी सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पे रहती हैं। कई बार ये भी होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले वित्त वर्ष में,
और अगले वित्त वर्ष में उनकी सब्सटेंशियल इनकम नहीं थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इनकम सब्सटेंशियल थी और उन्होंने पिछले वित्त वर्ष की रिटर्न नहीं भरी, तो उस वित्त वर्ष की भी रिटर्न भरनी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ध्यान रखना है। पर प्राइमा फेसा यह कहूंगा कि हमें जो स्टेटस डिसाइड करना है, जिस वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस वित्त वर्ष के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी है, उससे पिछले वित्त वर्ष जिसके लिए रिटर्न भरने की अभी ड्यू डेट नहीं गई और रिटर्न नहीं भरी उसके लिए भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी है, और अगर किसी और ईयर की टैक्स लायबिलिटी डिमांड निकल जाती है उसके लिए भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्राइम ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैप्चर कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स माय डियर फ्रेंड, विच आईटीआर फॉर्म टू बी फाइल्ड, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। द आईटीआर फॉर्म एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी फाइल्ड। तो आईटीआर 1 सबसे सिंपल फॉर्म, आईटीआर 2 अगर कुछ कैपिटल गेन या रेंटल इनकम की डिटेल्स हैं, आईटीआर 3 जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो बिजनेस मैन थे, तो आईटीआर 4 अगर जिन व्यक्ति का देहांत हुआ वो 44 एडी के लिए एलिजिबल थे, तो आईटीआर 4। तो यहां पर मेरा कहना है सर, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको सही आईटीआर फॉर्म चूज करने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, हु मे फाइल रिटर्न ऑफ अ डिसीज पर्सन, के रिटर्न डिसीज पर्सन की यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके मरणोपरांत उनकी ओर से रिटर्न भरने के लिए लाइबल कौन है? तो बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके जो वैधानिक प्रतिनिधि हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकम टैक्स लॉ तो कहता है कि डिसीज पर्सन की ओर से उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न भरने के लिए लाइबल है। तो आपका नेचुरली मुझसे अब अगला प्रश्न होगा कि भटिया जी फिर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? तो मैं इस बात का उत्तर देता हूं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 29 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो ये कहता है दोस्तों, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो आप बोलेंगे भटिया जी तो डेफिनेशन गोल गोल हो गई, यानी हमें इनकम टैक्स ने उठा करके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की ओर घुमा दिया। तो ठीक है सर, अपन फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की ओर चलेंगे ताकि हम समझ सकें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उनके वैधानिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको माना जा सकता है। तो दोस्तों डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये मैं ले रहा हूं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से, जो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, यानी जिसके पास भी मृतक व्यक्ति के एस्टेट है यानी संपदा है, संपत्ति है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज, यानी जो किसी प्रकार से मृत व्यक्ति के संपत्तियों यानी एस्टेट के साथ में हस्तक्षेप रखता है वो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन हुम द एस्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूट, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और फाइनली उनकी संपत्ति किसी प्रकार से ए या बी किसी भी व्यक्ति के नाम पर दे दी जाती है, एस्टेट डिक्लेयर कर दी जाती है कि अच्छा एक्स की मृत्यु हो गई अब ए के नाम पर ये संपत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। और सरल शब्दों में बोलूं सर, तो जो रिश्तेदार होते हैं, खास रिश्तेदार, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उनके पति अथवा पत्नी, उनके बच्चे, ठीक है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और दूसरे तरीके से बोलूं तो जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम लॉ के हिसाब से सक्सेसर माने जाएंगे और जिनको किसी प्रकार की संपत्ति मिलती है उनको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। अब अगर एक से ज्यादा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो दोस्तों इस परिस्थिति में केवल एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न भरेगा। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, ऐसा नहीं। उनमें से कौन व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारी लेने की इच्छा रखता है, अब मान लीजिए अगर भाइयों के बीच में लड़ाई है और वो पिताजी की रिटर्न नहीं भरना चाह रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी से फिर फ्री हो गए कि साहब बाकी के भाइयों की भी तो लायबिलिटी थी। मेरे ओपिनियन में उनको आपस में बैठकर तय करना चाहिए कि हाँ सर हम तीनों में से कौन रिटर्न भरेंगे पिताजी की ओर से, और फिर जो टैक्स लायबिलिटी बने उसको वो आपस में किसी भी फॉर्मूला पर बेस्ड होकर बांट सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्राइमा फेसाई सभी को एलआर मानेगा इस तरीके के केस में। अब दोस्तों मैं आपके सामने प्रोसीजर रख रहा हूं कि हाउ टू फाइल आईटीआर ऑफ अ डिसीज पर्सन, कि अगर किसी मृत व्यक्ति के लिए आईटीआर भरनी है तो आप सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, फिर अपने लॉगिन से यानी स्वयं के पैन से लॉगिन करिए और आपको अपने पैन में जिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके लिए खुद को एज अ रजिस्टर करना है रिप्रेजेंटेटिव,
ठीक है, यानी उस व्यक्ति के पैन लॉगिन में नहीं जाना जिनकी मृत्यु हो गई, हमें उस व्यक्ति के पैन लॉगिन में जाना है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, किसी मृत व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी रिटर्न भरना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू गो टू द माई अकाउंट मेन्यू लोकेटेड एट अपर लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, देन यू हैव टू क्लिक देयर रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव टू सिलेक्ट रिक्वेस्ट टाइप, यू हैव टू पुट इन देयर न्यू रिक्वेस्ट, सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर एज द डिसीज लीगल हायर, एंड देन वी विल क्लिक एट प्रोसीड। अब आपको क्या क्या डिटेल देनी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। पैन ऑफ द डिसीज, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनका पैन का डिटेल, सरनेम ऑफ सच पर्सन, मिडिल नेम ऑफ द डिसीज पर्सन, फर्स्ट नेम ऑफ द डिसीज पर्सन, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ क्या हुई थी वो भी आपको बताना है, एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द लीगल हायर। बैंक अकाउंट डिटेल, माइंड यू माय डियर फ्रेंड, लीगल हायर की बैंक डिटेल नहीं जा रही है, सॉरी, लीगल हायर की बैंक डिटेल जा रही है, डाइड पर्सन यानी जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी बैंक डिटेल नहीं जा रही, तो लीगल हायर की बैंक डिटेल्स भी यहां पर देनी है। तो आप सही खाता सही प्रकार से अपलोड करें ताकि कोई रिफंड भी बनता है तो वो क्लेम किया जा सके। अब दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच करने होंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यू हैव टू अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज अटैचमेंट अगेंस्ट द हाइपर लिंक प्रोवाइडेड फॉर द सेम। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड ऑफ द डिसीज, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड ऑफ द लीगल हायर, कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉपी ऑफ लीगल हायर प्रूफ फ्रॉम द बिलो लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, कि आप लीगल हायर हैं इस बात का प्रमाण भी इनकम टैक्स मांग रहा है। क्या क्या प्रमाण है, लीगल हायर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, से पंचायत समिति से, नगर निगम से, नगर पालिका से कोई सर्टिफिकेट मिलता हो, सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिले वो लगा सकते हैं, फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के केस में फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है तो जो सर्वाइविंग लाइफ पार्टनर है वो अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। रजिस्टर्ड विल के बारे में ये कहूंगा दोस्तों, भारत में तो विल लिखने की प्रथा बहुत कम है और अगर है भी तो उसको लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते, अगर हम भी लोगों को प्रवोक करें कि हाँ साहब रजिस्टर्ड विल लिखे, बहुत सी बार इसका न केवल इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि अदरवाइज भी जो वैधानिक प्रतिनिधि होते हैं उनको बहुत सी बार फायदा होता है। लेटर इशूड बाय द बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन देयर लेटर हेड विद द ऑफिशियल सील एंड सिग्नेचर मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर टू द अकाउंट ऑफ डिसीज एट द टाइम ऑफ डिमाइस, ये भी मैंने कई बार देखा सर, यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित चले आ रहे हैं या किसी प्रकार से उनकी कोई समस्याएं रही हैं तो उन्हें उस दौरान किसी न किसी व्यक्ति को अगर वो अपने साथ में एक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनाते हैं या नॉमिनी बनाते हैं तो वो नॉमिनी या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बाद में उनके इनकम टैक्स से रिलेटेड कंप्लायंस तो कर ही पाएंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से दोस्तों ये डॉक्यूमेंट समझना बहुत जरूरी है। दो और डॉक्यूमेंट आपको इसी लिस्ट में और जोड़ रहा हूं सर, कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास इन द नेम ऑफ डिसीज मैंडेटरी ओनली इफ द रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फाइलिंग ऑफ एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ डिसीज। मान लीजिए सर एक्स की डेथ हो गई, उनके अगेंस्ट में एक असेसमेंट ऑर्डर है, वाई जो कि उनका पुत्र है वो संतुष्ट नहीं है उस ऑर्डर से, वो अपील करना चाहते हैं, तो वाई सबसे पहले खुद को एज एलआर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में वो उस ऑर्डर की कॉपी भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे जिसके अगेंस्ट में वो मिस्टर एक्स के बिहाफ पर अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों कॉपी ऑफ ऑर्डर या नोटिस मैंडेटरी ओनली इफ द रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम द पीरियड इन विच द डिसीज वॉज अलाइव थ्रू कंडोनेशन रिक्वेस्ट और नोटिस और ऑर्डर रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट फॉर कंप्लायंस ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज। कई बार क्या होता है सर, कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित थे तो पिछले 2 या 3 साल की रिटर्न नहीं भरी, उनके भरने के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने देखा कि अगर उन सज्जन ने रिटर्न भरी होती तो उनको कोई 3-4 लाख रुपए के रिफंड मिलते, लेकिन जब तक ये ऑब्जर्वेशन आया तब तक टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग आईटीआर एक्सपायर हो चुकी। तो ऐसी परिस्थिति में आप डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट लगा करके भी उन व्यक्ति का रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फिर मिलेगा। तो यहां जो कॉपी ऑफ ऑर्डर या नोटिस की चर्चा की गई है सर वो उसी संदर्भ में की गई है। अब दोस्तों देखिए, आर यू लाइबल टू पे टैक्स ड्यूज ऑफ अ डिसीज पर्सन, के क्या डिसीज पर्सन के लिए टैक्स लाइबिलिटी देने की भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकता है जी मैं रिटर्न भर देता हूं लेकिन टैक्स मैं क्यों दूंगा। ठीक है, तो वहां पर मैं आपके सामने एक सेक्शन 159(6) की रीडिंग करता हूं जो कहता है लायबिलिटी ऑफ एलआर अंडर दिस सेक्शन शेल
subject to provisions of subsection 4 and 5 be limited to the extent to which the estate is capable of meeting the liability. Very important point. एक सज्जन की मृत्यु हुई, unfortunately उनके 18 लाख की टैक्स लायबिलिटी ड्यू थी, वो अपने पीछे केवल 10 लाख रुपए की ही वेल्थ छोड़ के गए लीगल हायर के लिए या सक्सेसर के लिए, तो फिर केवल लीगल हायर से 10 लाख मांगे जा सकते हैं। मान लीजिए 18 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, पीछे वो 2.25 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए, तो सर पर लीगल हायर को तो उसी संपत्ति में से ही तो देना है, अपनी पॉकेट से थोड़ी देना है, तो फिर उनको पूरा 18 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो यहां पर लीगल हायर के लिए ये बात समझना जरूरी है कि जिस एक्सटेंट तक उनके पास में एस्टेट आई है, उस एक्सटेंट तक उन्हें इनकम टैक्स का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो उस व्यक्ति पर जिनकी मृत्यु हो गई उन पर ड्यू थी या अब ड्यू बनेगी, वो देने की लायबिलिटी सेक्शन 159 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से दोस्तों क्रिएट होगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रहा हूं सर, जो कि अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का। कैन अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम रिफंड ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन? द आंसर टू इट लाइज इन सेक्शन 238 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो बोलता है पर्सन एंटाइटल टू क्लेम रिफंड इन सर्टेन स्पेशल केसेस, इट सेज वेयर थ्रू डेथ, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और अदर कॉज अ पर्सन इज अनेबल टू क्लेम और रिसीव एनी रिफंड ड्यू टू हिम, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी और गार्जियन और रिसीवर एज द केस में बी शैल बी एंटाइटल टू क्लेम और रिसीव सच रिफंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन और हिज एस्टेट। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माई डियर फ्रेंड, फॉर दोज इफ यू नो अ पर्सन हु हैज डाइड बट हिज टैक्स इज ड्यू टू द LR इन फॉर्म ऑफ अ रिफंड ड्यू टू हिम, देन वी मे प्रॉम्प्ट LR, व्हाई डोंट यू फाइल द रिटर्न एंड क्लेम द रिफंड ऑफ दैट पर्सन? बिकॉज आप जब 26AS देखते हैं तो पता चलता है कि अरे साहब, इन सज्जन का तो इतना तो टैक्स कट गया जबकि इतना तो इनका टैक्स लाइबिलिटी बनती नहीं, तो क्यों ना LR को वो रिफंड मिले। कई बार सर LR के लिए एक एक पाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों अंत में मैं ये कहूंगा कि मुझे उम्मीद है, हालांकि ईश्वर ना करे किन्हीं के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां आए, पर मृत्यु जीवन के साथ ही एक निश्चित तत्व के रूप में जुड़ जाती है। तो अगर सर किसी की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होती है, देहांत होता है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपनी टैक्स कंप्लायंस प्रॉपरली करनी चाहिए। ये मेरी आज की इस वीडियो का विषय था। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो उपयोगी हो सकती है तो आप उन्हें वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।